hello everyone <coughs> welcome you all on my youtube channel biology blaze i dr Mohammad majid i hope you are doing well and stay safe on your home today we are going to discuss the most important family of monocotyledons plant that's known as lilaceae, commonly called lily family तो एज़ पर लास्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्वेंसली स्टार्ट विथ जनरल अकाउंट ऑफ दिस फैमिली जनरल अकाउंट में हम क्या बात करते हैं कि इन एक जनरल आइडिया कि कैसे प्लांट हैं कहाँ पे ग्रो करते हैं इस तरीके की बातें होती हैं तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इसमें डिस्कस किए हैं बहुत सारे वीडियो देखने के बाद क्लियर कराए कि क्या चीज़ दूसरे लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड करी है और एवरी जो भी इसमें पॉइंट्स आए हैं टेक्नोलॉजी मैंने उन्हें वहीं पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है हो सकता है इस वजह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए और तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी हो जाए क्योंकि जो फ्लोरल टेक्नोलॉजी है वो तो ऑलरेडी मेरे फर्स्ट वीडियो में क्लियर थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस पर बात कम करना चाहूँगा बट और जो करेक्टर्स हैं जनरल अकाउंट से रिलेटेड उन पर बात करूँगा ठीक है तो देखिए रिलेसी फैमिली जो फैमिली या फ्लावरिंग पेरिनियल फ्लावरिंग तो है क्योंकि मोनोकार्डी फ्लावरिंग होते हैं एनजियोसपोन का एक पार्ट है जैसे एनजियोस्पन का मतलब होता है डाईकैट एंड मोनोका्ट ठीक है एज पर रूल तो इट इज़ फ्लावरिंग अब उसके बाद क्या रहेगी पेरिनियल मल्टीयर्स हारवेसियस हर्ब्स मतलब मेजोरिटी जो है हरबेसियस प्लांट की है और मोनोकार्ड तो चूँकि मोनोकार्डी फैमिली है अब जो पॉइंट आता है कि बलब्स जियोफाइट्स हैं इस प्लांट में उनकी फ्लावरिंग पेरिनियल हरबेसियस बल्बस जियोफाइट्स, दैट मीन्स इसे क्लियर करें कि बल्बस का मतलब होता है एक थैलोइड स्ट्रक्चर एंड जियो का मतलब अर्थ से होता है और फाइट का मतलब प्लांट्स ठीक है तो एक पहले well, थ्योरी जो मैंने नोट करी उसे देखें उसके बाद टेमोलॉजी में अपने लैंग्वेज में बताऊंगा आपको कि प्लांट्स दैट सेल्टर दे आर रेस्टिंग बर्ड इन दॉयल व्हेन इन्वायरमेंट कंडीशन आर नॉट टू गुड ठीक है तो ये प्लांट टू कोप देयर एडवर्स इन्वामेंटल कंडीशंस अपने जो पार्ट्स होते हैं जो मेन इनका पार्ट्स होता है उसे इनसाइड दॉयल मतलब अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स के फार्म में सॉइल के अंदर डिप कर देते हैं ठीक है और इसके साथ साथ वो एनर्जी और वाटर को भी होल्ड करते हैं उसी पार्ट में क्योंकि वही पार्ट इनका जो होता है एडबल पार्ट होता है जिससे हम लोग एनर्जी लेते हैं अच्छा वरना कूलर टर्म में अगर हम बात करें जियो का मतलब होता है बल्ब जो पार्ट सॉइल के अंदर होता है उसी के टर्म आया है जियोफाइट का जो टेक्नोलॉजी गई है बल्ब बल्ब का रेफरेंस होता है कि दे मे प्रोटेक्ट देयर रेस्टिंग बल्ब रेस्टिंग बल्ब का मतलब होता है कि इसी के थ्रू जो फर्दर ग्रो करे जाते हैं दूसरे प्लांट का फार्मेशन हो सकता है ठीक है तो रेस्टिंग बल्ब अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर किस फार्म में करते हैं उन रेस्टिंग बल्ब के क्या क्या नाम हो सकते हैं वो देखिए बल्बस जनरली एक बल्ब को बल्ब ही बोला गया है रेस्टिंग बल्ब्स में बल्ब्स आ रहे हैं कॉम्स राइजोम्स ट्यूबरस रूट्स सोयलिन टॉप रूट्स एंड यूक्यूटस क्राउन इतने सारे जो टर्म्स हैं वो सब इसी टर्मोलॉजी के लिए गए हैं जिसे हम बोलते हैं जियोफाइट या फिर बल्ब अच्छा इसके बाद इस फैमिली के जो नेटिव प्लांट है कहाँ पे ग्रो करते हैं टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मतलब दोनों तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं और इस फैमिली जो है एक रिप्रेजेंटेटिव फैमिली है मोनोकारटेस प्लांट की रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वह जब हम की बात करते हैं तो सबसे टिपिकल मेम्बर जो होते हैं उसमें जो फैमिली आती है वो लेसी के मेम्बर्स आते हैं ठीक है वैसे तो मोनोकार्ड में ग्रेमनी बहुत बड़ी फैमिली है ठीक है बट रिप्रेजेंटेटिव टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जो रियल रिप्रेजेंटेटिव आप आपकी कम्युनिटी या आपकी फैमिली या मोनोकाटिलेडन जो पूरा ग्रुप है उसकी सबसे रियल रिप्रेजेंटेटिव फैमिली में लिलेसी फैमिली बहुत ही मतलब इसका नाम है इस फैमिली को रिप्रेजेंट करने के प्लांट को कि मोनोकाटिलेडन प्लांट को अगर कर रिप्रेजेंट करता है तो ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है उस पॉइंट ऑफ़ व्यू से अच्छा ये फैमिली लार्ज फैमिली से बहुत छोटी छोटी फैमिली अराइज हो चुकी हैं बट फिर भी हम उन्हें कहीं ना कहीं एक सिंगल टर्म में डिफाइन करते हैं कि लेलेजी फैमिली बट इन सम बुक्स में उनके अलग डिवीजनस हो चुके हैं जैसे कोलिक एसी कोलिकसी एसी नॉर्थ एसी एमरडेसी एंड अदर इसके बाद भी बहुत सारी फैमिलीज हैं आप आगे देखेंगे बट कहीं ना कहीं इन कही सबको मिला के अभी जनरल टर्म में लेलेसी फैमिली ही बोला गया है ठीक है तो कन्फ्यूज ना हो प्लीज़ जैसे कोल सी ए सी या एसफोडिले एसी नार्थ इन से, से ये सब जो है अभी लिलेसी ही कहला रही हैं अच्छा इसका जनरल सैन्यियों देखें कि ग्लोबल लेवल पे क्या कंडीशन है इसकी काफ़ी बिग फैमिली है एज कंपेयर टू मगर ग्रेमली से छोटी फैमिली ग्रेमनी तो पूरे प्लान किंगडम की सबसे बड़ी फैमिली है मोनोकॉटिलिडेंस की बट ये भी मोनोकॉटिलिडन की फैमिली है इसमें 250 फिफ्टी जेंदा ग्लोबल लेवल पर और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड स्पीसीज जो हैं इंडियन में बात करें तो केवल सिक्सटीन जेंदा और थ्री सॉरी सिक्स थर्टी फाइव छः सौ पैंतीस स्पीसीज हैं ठीक है जिसमें हर्ब्स और सिरप्स की बात करेगी देखिए यहाँ पर ट्रप्स मेंशन नहीं करेगा ट्राइज आ, ट्रीज मैंसन नहीं करेगा बट इस फैमिली में एक दो प्लांट ट्रीज़ का भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली आगे हम सब बता रहे हैं आप देखते रहें इसे ठीक है तो मोस्ट ऑफ दी जो मेम्बर्स होते हैं <coughs> इस फैमिली में उन्हें क्या बोलते हैं लिलीज़ बोलते हैं जैसे हमने बहुत कॉमन सुना होगा ट्यूलिप और लिलीज ये लिलीज कोई नॉट ए सिंगल प्लांट बल्कि बहुत सारे प्लांट का ग्रुप है ठीक है लिलीज जो कि पेरेनियल हर्ब्स होती हैं और इन्हें हम राइजोम के थ्रू ग्रो करते हैं जैसे आपने बताया था जियो में तीन स्ट्रक्चर कॉमन थी कि बल्ब्स कॉर्म्स और राइजोम ठीक है तो लिलीज को कैसे ग्रो करा जाता है वेजिटेटिव प्रोपुकेशन थ्रू राइजोम और दूसरा क्या है बल्ब्स देखिए दो स्ट्रक्चर यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर हमने उसकी बात नहीं करी थर्ड स्ट्रक्चर थी इसकी स्टोलन होता है कार्म होता है ठीक है वो अभी हम बात नहीं करेंगे कि के केस में राइजोम एंड बल्बस इसके बाद ये जो लिलीज है इनका क्या काम है इनके तो फ्लावर के लिए बहुत फेमस है और दूसरा इनके पास एक बहुत ही तीक्ष वजह हिंदी बोलना चाहिए स्मेल होती है ठीक है हैवीली सेंटेड इसलिए इनका जो परफ्यूमरी में यूज़ करा जाता है उसके बाद यहाँ पर कुछ डायग्राम आप देख सकते हैं कि जो इस फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं जैसे ट्यूलिप एरिस डेफोडिल फ्लावरिंग ओनियन एंड हाईसेंथ हाईसेंथ इसमें कन्फ्यूज ना हो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है एक बाटर हाईसेंथ की बात करें तो जिसका बॉटनिकल नेम लेंटना कमारा होता है या बंगाल टाइगर बोलते हैं वो दूसरी चीज़ है जबकि यहाँ पे एक आता है बाइल्ड हाईसेंथ इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है जैसे कन्फ्यूजन ना हो इसके बाद जो बहुत ही कॉमन मेम्बर्स हैं वेजिटेबल फार्म में यूज करते हैं जैसे गार्लिक ओनियन ग्रीन गार्लिक और लीक ये सब एक ही ग्रुप के मेम्बर हैं एक ही जीनस से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बिलोंग करते हैं ओके अच्छा तो सिस्टमेटिक पोजिशन की बात करें कोई खास नहीं है जैसे कि जहाँ प्लांटी, आपको कि प्लांटी का मतलब क्या होता है कि एलगी से लेके एनजियोस्पम तक जितने ही ग्रुप आते हैं पांच ग्रुप एलगी, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स एंड एनजीओ स्पर्म्स ये जितने प्लांट होते हैं प्लान्टी कराते हैं इन्हें किंगडम प्लान्टी में रखा गया है इसके बाद आता है ट्रैक को इसमें बेस्कुलर प्लांट आते हैं बेस्कुलर प्लांट का मतलब होता है कि आउट ऑफ फाइव ओनली थ्री प्लांट जिम्नोस्पम्प्स और एनजियो ये आपके बनाते हैं आपके बेस्कुलर प्लांट बेस्कुलो प्लांट के मतलब दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम नेक्स्ट वन है सुपर डिविजन स्पर्मोटोफाइटा इस्परमोटोफाइटा सिंपल मीन्स होता है कि रिप्रोडक्शन बाई दी हेल्प ऑफ स्पम्प्स एंड हैविंग सीड्स तो सीड्स के लिए जब हम बात करते हैं तो इसमें से ट्रेडोफाइट खत्म हो गया अब यहाँ पर रहेगा केवल जिम्नोस्पम्स और एनजीओ केवल दो ग्रुप इंक्लूड कर जाते हैं सीड्स में अच्छा नेक्स्ट बनाया कि मैग्नोलियो फाइटा अब मैग्नोलियो फाइटा में हमने जिमनोसपर्म को भी हटा दिया ओनली क्या रह जाता है यहाँ पे एनजीओ ठीक है एनजीओ दो टाइप के होते हैं डाईकाट एंड मोनोकॉट नेक्स्ट बनाता है लिलोपसिडा जो क्लास है अब ये केवल एनजीओ में दो क्लास जो थे डाईकार्ड और मोनोकॉट अब इसमें केवल हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं ठीक है सब क्लास लेडी एंड ऑर्डर लेलेस फैमिली तो हम पढ़ ही रहे हैं लेलेसी तो आर एलेस के अंतर्गत जो फैमिली आती है देखिए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर आपने देखे होंगे मोस्टली मूवीज़ वगैरह में तो वो सब इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं देखिए लिली इस तरीके का फ्लावर होता है बहुत सारी वेराइटीज होती हैं यहाँ पे हम केवल एक डायग्राम दिखा रहा है इसमें एक प्लांट का नाम लिली नहीं लिली पूरी कैटेगरी है ट्यूलिप देखिए ट्यूलिप क्या होता है हाफ बर्ड फ्लावर को ट्यूलिप नॉर्मली कहा जाता है और इसी फार्म में एक लेवल पर इनकी मार्केटिंग होती है वेरी कॉमर्शियल प्रॉब्लम ठीक है और इसके बाद फ्लटरिया ये भी अपने आप में कॉमर्शियल ग्रुप है हार्टिकल्चर वाले सेक्शन में इनका सबका कल्टिवेशन किया जाता है इंडिया में और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में काम आते हैं इंडिया से ये इसके बाद कुछ टिपिकल मेंबर्स की हम बात करें कि जो एक रिप्रेजेंटेटिव चीज़ होती है इस फैमिली की देखिए लेलेसी फैमिली का कि जो होता है डिस्क जैसे बताया ना बल्ब में एक डिस्क होती है फिर लीव्स होती हैं और लीव्स के बाद इन्फ्लोसेंस होता है ये तीनों चीज़ आपको देख रहे हैं कि डिस्क इसका जो रूट जहाँ से राइज होती हैं जो इसका जो इसका जो मेन पार्ट होता है जिससे हम जिसके लिए हम कॉमर्शियल इसकी खेती करते हैं तो उसमें ये वाला पार्ट कहाँ पे आता है इसके नीचे होता है पार्ट हमेशा इस फैमिली की सबसे खासियत यही है कि इसके जो भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं एडिबल पार्ट्स हैं वो सॉइल में होते हैं इसलिए हमने क्या बोला जाता है जियो ठीक है और ऊपर लीव्स होती हैं और लीव्स के बाद जो फ्लावर्स आते हैं उनका पैटर्न है इन्फ्लुसेंस इसी तरीके से हमने कुछ इन्फ्लुसेंस के टाइप से बताएं देखिए लेटरल इन्फ्लुसेंस ये टर्मिनल साइमोज इन्फ्लुसेंस की टॉप पे केवल बात कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर कराए टर्मिनल लूज ब्रांच लूज ब्रांच का मतलब हुआ कि इसमें ब्रांचिंग हो गई टर्मिनल तो है बट ब्रांचिंग भी टर्मिनल ओनली ठीक है तो ये इन्फ्लोरेसेंस की कैटेगरी होगी अभी आगे भी इन्फ्लोरेसेंस को डिस्क्राइब करेंगे ना डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं इंडिया में जो है इसकी ओनली वन सिक्सटी नाइन स्पीसीज होती हैं ठीक है थीके? और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड अगर पूरे साउथ एशिया की बात करें तो साउथ वेस्ट एंड एशिया एंड हिमालयन एशिया टू चाइना ठीक है और स्पेशली कहाँ पे स्प्रिंग फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं इन एरियाज में वो इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और दिस ग्रोज इन दी स्टेपीज आपने सुना होगा एक टाइप ऑफ बायोम होता है ठीक है स्टेपीज अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें इसे यहाँ पे तो देख लें थोड़ा सा ऐसे भी कि एन इको रीजन करेक्टाइज बाई ग्रास लैंड प्लेन्स विदाउट ट्रीज अपार्ट फ्रॉम दोज नियर द रिवर्स एंड लेक ठीक है लेक और रिवर से दूर और ऐसे प्लेन जहाँ पे ग्रास हो कॉन्टीन्यूसली और ट्रीज़ का फार्मेशन ना हो ट्री बिल्कुल ना हो एक डायग्राम के थ्रू आप नीचे देख सकते हैं से कि किस तरह की कंडीशन होती है यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन जो है ये स्टेपीज कहलाती है ये देखिए दूर दूर ट्री यहाँ पे ट्री ये ट्री ये स्टेपीज कहलाता है ठीक है घास के लंबे बड़े बड़े मैदान और बहुत दूर पे स्केटर्ड फार्म में इक्का दुक्का ट्री हो वहाँ पे तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्टेपीज इस इसके बाद क्या माउंटेन मीडोज ये भी अपने आप एक टेक्नोलॉजी इसे भी देखें मैंने इसे यहीं पर डिस्क्राइब किया है कि आप कन्फ्यूजन ना रहा है किसी तरीके का इसमें ठीक है वहाँ से मीडो की एक डिफिनेशन देखें ओपन हैबिटेट या ओपन फील्ड वेजिटेटेड मतलब उसमें जो वेजिटेशन होती है वेजिटेटेड बाई ग्रास हर्ब्स एंड अदर नॉन बूडी प्लांट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉन बूडी मतलब अभी इसमें भी ट्री नहीं है जैसे सर्ब्स वगैरह नहीं है केवल हर्ब्स ग्रास भी हर्ब्स है और हर्ब्स तो हर्ब्स होती है ठीक है इनके थ्रू ना ट्रीज है ना सिर्फ ऐसे एरिया दूसरी बात क्या है कि अगर ट्रीज हैं मे बी की बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी अगर ट्री की है तो वो कहते बहुत ही दूर एरिया में ठीक है सिर्फ भी हो सकते हैं और ट्री भी हो सकते हैं अच्छा दे एंड दे मेंटेन एन ओपन करेक्टर्स ए पीस ऑफ लो ग्राउंड नियर ए रिवर या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि रिवर के या लेक के पास जो निचला एरिया होता है उसे मीडो कहा जाता है ठीक है जहाँ पे हर्ब्स की जो होता है वो बहुत आयात होती है और बहुत रेयर केसेस में ट्री या दूर दूर पाए जाते हैं ओके दे आर नॉर्मली हर्ब्स सरब्स एंड रेड ट्रीज इस फैमिली के जो लोग हैं वो तीन कैटेगरी में करो हाँ तो हाँ दिक क्या बोल रहा था मैं तो दे आर नॉर्मली हर्ब्स एंड सिर्प्स और बहुत रेयर केसेस में इसमें इस, इस ग्रुप में ट्री भी हैं अभी बताएंगे यू का ड्रेसिना वगैरह ट्री है तो देखिए आप जो स्टेपेज और मेडो के डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं ना कि स्टेपेज में ट्री बहुत रेयर केसेस में सिर्फ्स और जबकि मेडो में आपको कुछ ट्री भी दिखाई दे रहे हैं ठीक है ये देखिए ट्री दिखाई दिया दिखा, यहाँ पे आपको सिर्प्स दिखाई दे रहे हैं तो ये डिफरेंस है मेडो और ये टाइप के दोनों एक बायोलॉजिकल एरियाज या फिर हम कह सकते हैं बायोम्स होते हैं ठीक है जहाँ पे इस फैमिली के मेंबर्स के पाए जाने की थोड़ा चांसेज ज़्यादा रहते हैं अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे पर्सपेक्टिव से जो होती है किसी फैमिली में उसके प्लांट का नाम ध्यान रखना आपको ठीक है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे हमारे जो जितने भी वेजिटेबल क्रॉप्स थोड़े से आते हैं इसमें जो स्पाइसेस बोलते हैं जैसे एलियन से ओनियन बोलते हैं ठीक है आजकल ओनियन का बहुत यूज हो रहा है कि मतलब ओनियन खाने से ब्लड जो होता है थोड़ा सा थिन होता है और डायबिटीज़ में थोड़ा हेल्पफुल है इसलिए इसका डायबिटीज ब्लूटूथ मैंने लिख दिया इसे ध्यान रखिएगा कि ओनियन कैसे करके इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के लिए इट मेक्स ब्लड थिन इट इज़ बेनिफिशियल टू डायबिटीज मेलूटस अच्छा दूसरा है सटाइवम जैसे गार्लिक बोलते हैं ठीक है थीके? ये एक विंटर जाड़ों में ग्रो होने वाला बल्ब बल्ब्स तो सभी हैं इस क्रॉप के ठीक है इस पूरी फैमिली में बल्ब्स ही हैं मतलब जो जमीन के अंदर जिनका एडमिल पार्ट ज़मीन के अंदर ग्रो करा जाता वो है वो क्रॉप्स जो होती हैं बल्ब्स कहलाती हैं ठीक है कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो ध्यान रखना है इसे अच्छा ये कॉलचिकम आटोमनेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपने ट्वेल्थ क्लास से भी पढ़ा होगा एम पी कौसी दूसरी बुक जो है उसमें कि इससे एक ड्रग्स मिलती है जैसे हम बोलते हैं कोल्चिसिन जैसे माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं क्योंकि माइटोटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें अरेस्ट कर लेती है उनके डिवीजन को अरेस्ट कर लेती है उनके सेपरेशन को रोकती है इस प्लांट को कॉमनली जो नाम दिया गया वो मीडो सैफ्रॉन एक नाम और भी दिया गया मीडो देखिए कहीं से नहीं आया ये ऊपर से ही मीडो टर्म आया ये मीडो था ये मीडो में ग्रो होने वाला सेफ्रॉन सैफ्रॉन जो होता है जिसे बोलते हैं जाफरान ओके एक कलर प्रोवाइड करता है इसलिए इसका नाम है मीडो सैफ्रॉन इसके बाद एक प्लांट है जो ट्री की कैटेगरी में आता है जिसे हम बोलते हैं यूका जैसे हमने बोला कि हर्ब्स और सर्प तो होते हैं कुछ एक प्लांट इसमें ट्रीज भी होते हैं तो ट्रीज कैटेगरी में आता है यूका अच्छा इसका एक यूका प्लांट का एक स्पीसीज है यूका ओलेफोलिया जिसे हम डैगर प्लांट कहते हैं ओके उसके बाद एक ड्रेसिना यूका और ड्रेसिना के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो मैं यहीं भी आपको बता रहा हूँ आगे भी बताऊँगा कि ये दोनों प्लांट मोनोकाट होते हुए सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं सही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए इसमें मैंने लिखा नहीं है यूका में यूका की कंडीशन ये एक इंपॉर्टेंट बात बहुत है बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें जो स्पेशल इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है अगर वो इंसेक्ट खत्म हो जाए मतलब वो जिंदा ना हो डेथ हो जाए तो इस प्लांट में पॉलीनेशन नहीं हो पाता है दूसरा इसकी एक स्पीसीज़ है यूका एलेफोलिया जिसे हम डैगर प्लांट बोलते हैं उसके बाद ड्रेसिना की क्वालिटी देखिए कि इसमें एनमल सेकेंडरी ग्रोथ होती है अब सेकेंडरी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है सेकेंडरी ग्रोथ जो होती डाई कार्ड में होती नॉर्मली मोस्ट ऑफ द डाई कार्ड शो सेकेंडरी ग्रोथ मोनो मोनोकार्ड में नहीं होती है बट यूका और ड्रेसिना ऐसे प्लांट हैं जो मोनोकार्ड होते हुए सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं ठीक है और दोनों इसी फैमिली के मेम्बर हैं ये इंपॉर्टेंट बात है हम इनकी क्वालिटी बताते चल रहे हैं देखिए हमने लिखा भी है नोट में कि ड्रेसिना एंड यूका सोस प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ मोनोकार्ड मोनोकार्डिलिटेन्स होने के बावजूद ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं जबकि ये प्रॉपर्टी किसकी है डाईकार्ड की इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट एस्परागेस ये भी एक प्लांट है इसकी स्पीच होती है एस्परागैस ऑफिस नेली जिसे हम गार्डन एस्परागस बोलते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं सतावर ये बहुत कॉमन क्राप है आज के काम में काफ़ी प्राइज्ड क्राप बोली जाती है सतावर या सतावरी ओके और नेचर वाइज देखें तो ये क्या है एक क्लाइंबिंग मतलब थॉर्निक क्लाइंब है क्लाइंब का मतलब जो किसी के सहारे ऊपर ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं उन्हें कहते हैं और नेचर वाइज तो ये रफ्स में आता है और इसके पास जो थे क्लैडोट्स होते हैं क्लोडोट्स का मतलब पूरी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इसके स्टेम और लिप्स के मॉडिफिकेशन से बनती हैं ठीक है थीके? अच्छा नेक्स्ट प्लांट है ग्लोरेसा सुपरबा जिसे हम फ्लेम लिली कहते हैं क्योंकि लिली तो फैमिली ही है पूरी तो इस प्लांट को स्पेसिफिकली फ्लेम लिली बोलते हैं और इसका काम क्या है ये भी क्लाइंबर है क्लाइंबर का मतलब भाई एक हर्बियस प्लांट जो मतलब किसी के सपोर्ट से ग्रो करते हों और इसकी क्वालिटी दूसरी क्या है ये बहुत एग्जाम में पीएम टी में पूछा जाता है दूसरे एग्जाम में कि इसकी जो लीव्स होती है वो टेंडल में कन्वर्ट हो जाती है और दैट टेंड्रिक टेंड्र मेक इट इजी टू मूव अप वर्ड किसी ऐसी बॉडी पे मूव कर जाए कि इसकी मतलब ग्रोथ रहे वहाँ पे ये अपने बॉडी पूरा प्लांट आसानी से स्प्रेड कर सकें ठीक है तो लीव्स मूव टर्न इंटू टेंडल ये क्वेश्चन आता है कि किस प्लांट में लीव जो है टेंडल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका आंसर होता है गिलियो ये आप ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसके बाद नेक्स्ट प्लांट आता है एलो एलोवेरा आपने सुना होगा आप एलोवेरा बोलते हैं जबकि एलो प्लांट है बेरा एक पार्टिकुलर स्पीसीज़ है इसकी और भी स्पीसीज होती हैं तो एलोवेरा में ये कैसा प्लांट है देखिए आप एलोवेरा को ध्यान दे, से देखना घरों में लगाया जाता है नॉर्मली ये जीरो नेचर का प्लांट है अगर ज़्यादा हम वाटर की सप्लाई ना करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ग्रो करता रहेगा ठीक है।, है और इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं उसके बाद आता है रस्कस एक्नलीटस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लास है कामन नेम पूछा जाता है एग्जाम में कि बटचर ब्रूम ब्रूम का मतलब होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर ठीक है और इसमें जो फ्लावर होते हैं वो इसमें भी एक स्ट्रक्चर होती है जैसे फाइलो क्लेट बोलते हैं ऊपर क्लेट का नाम आया था नीचे फाइलो क्लेट का नाम ये सब स्टेम और लीव्स के मॉडिफिकेशन से बनने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं यहाँ पे फाइलो क्लैट्स होते हैं और फाइलो क्लेट्स के ऊपर अपर सरफेस पे स्मॉल फ्लावर पाए जाते हैं ये रस्कस की बात है ओके तो इन प्लांट को ना आपको नाम ध्यान रखना है कि रस्कस किस फैमिली का होता है ग्लूटोसा किस फैमिली को बिलोंग करता है एस्परेगस किसको बिलोंग करता है एग्जाम्स में मोस्टली प्लांट का नाम देके फैमिली को डिफाइन करा जाता है कि भाई ये किस फैमिली से पूछा बिलोंग करता है ठीक है या इन विच आदि फॉलोइंग प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली इस तरीके से तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बनाने का मेरा मकसद है इस तरीके का नोट्स की मोस्ट सिग्निफिकेंट मेंबर्स तो इसका केवल ये मीनिंग है कि आपको प्लांट के नाम ध्यान रहना चाहिए कौन सा प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है ठीक है इसके बाद एक और इम्पॉटेंट प्लांट इसमें आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए जैसे बोलते हैं अस्पोडेलस टेनिफोलिस एसफोडेल तो मेनली जीनस आपको ये ध्यान रखना है कि किस मतलब फैमिली को बिलोंग करता है इसके साथ इसकी किसपीसी जो अगर ऐड कर लें तो टेनिफोलियस तो ये बन जाता है ओनियन बीट मतलब ओनियन तो हमारा ओनियन क्रॉप होती है ओनियन ग्रो करने वाला बीट ठीक है उसके साथ जो एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो करता है वो ये प्लांट होता है उसके बाद ये कहा जाता है फेमाइन फूड जब कभी भुखमरी वगैरह पड़ जाती है तो लोग इसे भी खा जाते हैं ठीक है उस कंडीशन में इसे फेमाइन अब ओनियन के साथ ग्रो करता है बीट तो इसे हम प्याज जैसे कहते हैं ओनियन को तो ये इसे क्या कहते हैं प्याजी तो इसे ध्यान रखना है अब मैंने इसका नीचे फिगर भी लगाएं सभी के फिगर लगाएं आप देखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर लगाएं कॉमन विंटर वीट इन भीट एंड चिकपी ये भीट और चिकपी के साथ भी ग्रो करता है चना जो हमने पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी और भीट के साथ ग्रो करता है इट इज़ कॉमन जीरोफिटिक प्लांट इन राजस्थान राजस्थान में बहुत ग्रो करता है क्योंकि जीरोफिटिक नेचर का होता है प्याजी या फेमाइन फूड्स ओनियन तीन नाम इसके ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन अच्छा अब इसके बाद मैंने कुछ लेस सिग्निफिकेंट मेंबर इसमें ऐड करें ये भी इंपॉर्टेंट है मगर जनरली जो हम टॉकिंग करते हैं एग्जामिनेशन को हम देखते हैं उसमें जो बात करी जाती है उस परस्पेक्टिव से कुछ लेस इंपॉर्टेंट मेबर्स हैं देखिए आ, एलियम पोरम इसे एलियम सटाइवा एलियम सीपा ये सब आपने देख लिया प्याज लहसन एक इसी का मेंबर होता है स्पीसी चेंज हुई है केवल पोरम इसे बोलते हैं लीक ठीक है एक बहुत ही पुरानी ग्राफ है एनशियन क्रॉप मतलब ये ओनियन से और गार्लिक से दोनों से पुरानी है उसी ग्रुप की है ठीक है एलियम ही जीने से मगर इसका नाम क्या बोला जाता है इसे लीक ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स स्माइल इसे क्वेश्चन एग्जाम में पीएमटी में सेवरल टाइम्स पूछा गया है ये क्या है एक बुडी ऑब्लीगेट क्लाइंबर है ऑब्लिगेट का मतलब हुआ कि इसके पास दूसरे चांस नहीं है ये बुड के ऊपर क्लाइंबर जैसे होते हैं हम देखा कुछ बड़े बड़े प्लांट के ऊपर कुछ स्मॉल हर टाइप के प्लांट जो होते हैं उन्हें चारों तरफ से कवर करके उन्हें उनके साथ अपने को मूव कर जाते हैं उन प्लांट में ग्रो कर जाते हैं ठीक है ये वही प्लांट है इस्माइलिक्स ऑब्लीगेट का मतलब हुआ कि इस, कुछ स्पेसिफिक प्लांट के साथ इसका एसोसिएशन होता है जिसकी सपोर्ट से ये ग्रो करता है ठीक है वो कौन से प्लांट होते हैं बुडी मतलब मोटे ट्रंक वाले जो थिकी प्लांट होते हैं जैसे शीशम का प्लांट या इकोलिप्टिस का प्लांट उनके साथ अच्छा इसका एक कॉमन नेम होता है हिंदी में कुमारी का बोलते हैं इसे और इसके बारे में जो क्वेश्चन पी एम टी एग्जामिशन या दूसरे एग्जामिनेशन पूछा जाता है जा जे आर एफ में या फिर रेगुलर बेस सी एम एस सी के एग्जामिनेशन में कि किस प्लांट में स्टिपुलर टेंडल होता है टेंडल कैसा स्टिप्यूल टाइप का तो वो इसी का एग्जाम्पल आता है स्टिपुलर टेंडल जो है स्माइल का एग्जाम्पल है ये आप ध्यान रखें इसे और इसका अगर हम बात करें मेडिसिनल वैल्यू यहाँ पर थोड़ी जाना लेखें कि रोमेटिक फीवर जो गठिया का फीवर होता है रोमेटिक फीवर और यूरिनरी जो हमारे यूरिन संबंधित और डाइसेंट्रिक प्रॉब्लम में इसका मेडिसिनल सिग्निफिकेंस भी रखता है इसके बाद फ्रिटेलरिया प्लांट होता है इसी ग्रुप का जीनस है जो हर्बेसियस बल्बस पेरिनियल प्लांट होते हैं हर्ब्स मतलब बिल्कुल सिर्फ जो जाल फ्लोएम नहीं होता है पेरिनियल एक से कई साल में उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है ठीक है और ये स्प्रिंग सीजन में ग्रो करते हैं और इनका जो सिग्नीफिकेंस है वो गार्डन में अपने अर्नामेंटल मतलब खूबसूरती खुछ, के लिए घर में ग्रो कर सकते हैं इसे ठीक है फ्रेटेरिया को इसके बाद एक आता है वेराट्रम विराट्रम से एक ड्रग मिलती है जिसे बोलते हैं वेराट्रीन और ये क्या है एक अल्कोलाइड है जो मतलब हार्ट में काम आता है इसकी रूट से मिलती है और इसके राइजोम से मिलती है ठीक है इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्यूलिप आपने सुना होगा जिसका फिगर हमने ऊपर दिखाया है ट्यूलिप तो आप इसे देख सकते हैं ट्यूलिप का फिगर ठीक है तो ये ट्यूलिप का फिगर था आपने देखा था मैंने आपको दिखाया था इसे देखें दोबारा से देख लें इसे कोई ये वाला फिगर ट्यूलिप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये ट्यूलिप इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आप देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस चीज बात है जी ना साहब स्प्रिंग स्प्रिंग का मतलब होता है जो मार्च की और फरवरी की जो टाइम का सीज़न होता है बहुत ही जो नई नई लीव्स आती हैं प्लांट में उस टाइम के ग्रो करने वाला प्लांट हो हर्बेसियस हर्वेसियस बल्बी फेरस जियोफाइट।, जियोफाइट भी कोई कॉमन टर्म है इस फैमिली के लिए और बल्बी फेरस भी कॉमन टर्म है तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना बस ये कि स्प्रिंग टाइम में इसमें फ्लावर आते हैं ब्लूमिंग का मतलब फ्लावर प्रोवाइड करता है अच्छा फ्लावर्स कहते हैं इसके बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं और दिखने में बड़ा अच्छे लगते हैं और ब्राइटली कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं सो इट जिस सब क्वालिटी जी क्या बनाती है ये अर्नामेंटल प्लांट हो गया ठीक है इस ट्यूलिप को ध्यान रखना किस फैमिली को बिलोंग करता है तो अच्छा इसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ जो पॉइंट इस फैमिली को रियल में डायग्नास्टिक फीचर्स होते हैं वो हमने इसमें इंक्लूड करें इन पॉइंट को आप ध्यान रखें कि सीट जो होते हैं वो अलविनस सीट होते हैं मतलब इनके बाद एलमिन पर जाता है ये स्टोरेज फूड मटेरियल अच्छा जो पेटल्स होता है वो पेरियंथ होता है मतलब कैलेक्स और कैरोला जो है ज्वाइंट होते हैं ठीक तो है तो पेरेंस बनाते हैं एक इंपॉर्टेंट बात ये है उसके बाद जो इनका फ्लावर्स होते हैं वो उसमें छः पार्ट होते हैं सिक्स सेगमेंटेड फ्लावर्स होते हैं और इस फैमिली में एक ग्रुप होता है प्लांट का जिन्हें हम क्या बोलते हैं लिलीज़ बोलते हैं ठीक है और लिलीज़ इस फैमिली को चार नई फैमिली में ब्रेक करता है इन्हें हम सब फैमिली बोल सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कन्वलरेसी और मेलेंथेसी इस्माइलेसी और ये जो फैमिली हो गई इसकी ठीक है और लिलेसी फैमिली के बारे में अच्छा इसके बाद लिली के बारे में कि लिली क्या है एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिली मोस्टली पेरिनियल्स होती हैं एक तो हो सकता है हरबेसियस भी हो बट टेरी तो होने का सवाल नहीं उठता बट मोस्टली पेरिनियल ठीक है मतलब मल्टी ईयर्स वाली होती हैं एक साल में ना दो साल में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है उसके बाद कह रहा है कि इसमें क्लाइम भी हो सकते हैं और बल्ब भी हो सकते हैं ठीक है दोनों कैटेगरी के हो सकते हैं प्लांट ही और इनमें अंडरग्राउंड स्टेम या फिर अदर स्ट्रक्चर भी ग्रो कर सकती हैं इसके बाद बात कर रहा है कि लिलीज फ्लावर के बीच में कोई पेटल्स और सेपल्स का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है करने का मतलब हम दूर से प्लांट में सेपल्स और पेटल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो लुक लाइक सेम तो जो पेटल्स और सेपल्स के साथ अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि सेपल्स और पेटल को हम आइडेंटिफाई ना कर पाएँ और एक ज्वाइंट स्ट्रक्चर का फार्मेशन होता है तो हम उसे बोलते हैं पेरियंथ आप लोग ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोज प्लांट इन विच सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट क्लियरली विजिल आर नॉट क्लियरली वेरी डिस्टिंक्ट तो दैन दिस कंडीशन इज नोन एज पेरियंथ वहाँ पे फिर ना तो सेपल्स कहेंगे ना पेट करोला कहेंगे उनकी यूनिट फिर कहलाएगी टेपल्स ठीक है टेपल्स कहलाएंगे उन यूनिट को हम टेपल्स नेक्स्ट पॉइंट मेंबर्स आर पेरिनियल्स विद पंजेंट इस एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसे भी देखें आप इस फैमिली की जैसे आप लहसुन और प्याज की जब स्मेल आपको लगती है तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं ठीक है ये जो वजह होती है इसकी वो क्या होती है कि इन क्रॉप में सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जब भी इन हमको लहसुन को प्याज को, को काटते हैं तो हमें एक तीक्षण स्मेल लिखती है उससे आँख में आंसू आ जाते हैं फिर हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ से हट जाए ठीक है तो उसकी वजह क्या है कि इन प्लांट में क्या होता है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आई है कि इस फैमिली में जो प्लांट है जितना भी फ्लोरा है उसमें डाइवर्सिटी बहुत है मतलब मेजॉरिटी तो हर्ब्स की है उसके बाद सर्ब्स की है अब सिर्प में भी नेचुरल बिहेवियर है उनका कि कोई क्लाइंबर्स टाइप का है कोई दूसरे टाइप का है और एक ट्री प्लांट भी है तो इसमें ये पॉइंट है आठवें नंबर का देखिए एट नंबर की आ, मच डाइवर्स बिहेवियर ऑफ़ द प्लांट्स क्या मोस्टली तो हर्ब्स हैं हर्ब्स मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए प्लांट के कौन कौन से हैं केसफोडल एलवाई बिलियम ट्यूलिपा एलियम सब ये क्या है हर्ब्स प्लांट हैं ठीक है इसके बाद इसमें दूसरी ने क्या बोला कि ट्री कौन से हैं ड्रेसिना देखिए ट्री है ड्रेसिना में ट्री हो गया अच्छा क्लाइंबर टाइप के प्लांट कौन से हैं इस और अगर क्या है क्लाइंबर से मतलब दूसरों के सपोर्ट से मूव करते हैं अच्छा ज़ीरो फाइव टाइप की मतलब ऐसे डेजर्ट कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं तो आपका यूका एंड एलोआ ये डेजर्ट प्लांट हो गए अब इसमें एक जो प्लांट है ना उनमें एक स्ट्रक्चर बनती है क्लैडोड्स तो ये किसमें बनती है एस्परागस एंड रस्कस में एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है जो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं क्लैडोड हमने नीचे डिफाइन भी करा है कि क्लैडोड इज मैंसन एक जो होता है क्या होता है स्टेम होता है जब फ्लैट एंडेड भी होता है और फोटोसिंथेटिक भी होता है फोटो सिन्थेटिक तो होगा ग्रीन होते हैं स्टेम ठीक है जहाँ पे ब्रांचेज हैव लिमिटेड ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि जो क्लैडोड होता है उसमें जो ब्रांच होती है वो कैसी ग्रोथ रखती हैं लिमिटेड है इसके बाद अच्छा ये जो टर्म्स आया है क्लैड एक एक टर्म और होता है फाइलो क्लैट आगे आएगा इस फैमिली कुछ मेम्बर में होता है ये इन सभी का जो टर्मोलॉजी है कहाँ से एक प्लांट होता है जो कॉनिफर होता है कोनीफर का मतलब जिम्नोस्पर्म्स ये स्ट्रक्चर उस प्लांट की तरह लगती हैं ठीक है जब इनकी मॉडिफाइड स्टेम और ब्रांच इन इस फैमिली के कुछ प्लांट में चेंज होकर इस प्लांट की तरह लगने लगती हैं तब इन्हें नाम दिया जाता है क्लेडोट्स या फाइलोक्डट्स तो नाम कहाँ से आया फाइलोक्लेडस एक प्लांट होता है जो कॉनिफर नेचर का है कानीफर का मतलब होता है कि जिम्नोस्पमिन प्लांट उससे ये टर्म आया है कि क्लाइडोड्स एंड फाइलोक्ड्स इसके बाद एक पॉइंट और है कि इन प्लांट में लीफ जो होती हैं प्लांट के बेस पे स्टेम के बेस पे कन्फाइंड होती हैं ठीक है लिप्स कहाँ होती हैं बेस ऑफ प्लांट या फिर ये कैसी लीफ होती हैं अल्टरनेट अपोजिट एंड फोर्ड मतलब बंच, गुच्छे के टाइप में होती हैं ठीक है थीके? तो लीफ का सबसे करेक्टर क्या है कि जो प्लांट का जो स्टेम का बेस होता है वहां पे होती हैं अच्छा लीफ कैसी होती हैं अनडिवाइडेड होती हैं और लॉन्गर देन बाइड अपनी चौड़ाई से लंबी होती हैं ठीक है चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा है और पैरलिशन इट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हेयर मोनोकारटीलेडस फैमिली तो पैरल बिजनेसन तो होना है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ठीक है कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बार बार डिस्कस नहीं करना चाहिए नहीं तो हमें लगेगा कि हम कुछ स्टडी नहीं कर रहे हैं अच्छा उसके बाद वेजिटेटिव प्रैक्टिस में हम बात करें तो हैबिटेट की जब बात करेंगे तो हैबिट आएगी हैबिट का मतलब भाई कि प्लांट का बिहेवियर कैसा होता है प्लांट कैसे ग्रो करता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है आप बता चुके राइजोम कार्म एंड बल्ब बार बार रिपीट नहीं करना मगर हमने सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाए तो हम उसको रिपीट पढ़ के आपको बता दे रहे हैं कि हैबिट में क्या बात करते हैं कि कुछ जो प्लांट होते हैं वो राइजोम की फार्म में ग्रो करते हैं कुछ कार्म्स एंड कुछ बल्ब के फार्म में अब हमने सबको यहाँ पर डिफाइन भी करा है नोट्स में सब कुछ अब लिखा हुआ है कि राइजोम क्या होता है देखिए थिक फ्लैसी यूजली हॉरीजॉन्टल ये बस यहाँ पर एक पॉइंट देखना है कि हॉजेंटल होता है ये राइजोम कैसा होता है हारिजॉन्टल और उस पर नोट्स और इंटर भी होती हैं ठीक है थीके? अच्छा उस पर लीफ लगी होती है बिल्कुल डायरेक्टली जिसे सेसाइल बोलते हैं कोई पेट्रोल नहीं होता उन लीफ में जैसे कहाँ पे टर्मेरिक लोटस जिंजर कुछ अदर फैमिली के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिए इसका मतलब ये नहीं कि आप इस फैमिली में कन्फाइंड रहें हाँ इट इज़ इंपॉर्टेंट कि राइजोम जो होता है लेसी फैमिली मिलता है ठीक है इसके अलावा कोई दूसरी फैमिली में ये कंडीशन पाई जाती है जैसे अच्छा इसमें जब हॉजल होता है तो तो राइजोम है ये स्ट्रक्चर और जब ये वर्टिकल हो जाता है तब इसे हम रूट स्टॉक बोलते हैं इट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे शुगर केन और एलोकेशियम है राइजोम एक ऐसी स्ट्रक्चर का नाम है जब वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होता है जमीन के अंदर वो हॉरिजॉन्टल होता है तो हम उसे बोलते हैं राइजोम और जब वो वर्टिकल हो जाता है तब उसे बोलते हैं रूट स्टॉक एक न्यू टर्म आपके लिए न्यू इन्फॉमेसन नेक्स्ट पॉइंट बल्ब बल्ब के बारे में देखिए क्या होता है इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है जो इसमें एक स्मॉल डिस्क का फॉर्मेशन होता है देखिए हर कहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बल्ब का जब भी रेफरेंस आया तो स्मॉल डिस्क नाम आएगा उसमें कि रिड्यूस स्टेम ने कहा मॉडिफाइड है सब रिड्यूस स्टेम है तो इसमें क्या फॉर्मेशन होता है स्मॉल डिस्क का फॉर्मेशन होता है जिसके ऊपर जो होती है फ्लैसी लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है और उन्हीं से क्या होता है फ्लावरिंग सूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और ये बल्ब जो होती हैं दो टाइप की होती, एक, होती है एक ट्यूनिकेटेड बल्ब होती हैं जिसमें लीप जो होती हैं कॉन्सेंट्रिक फैशन में कॉन्सेंट्रिक का मतलब इस तरीके से एक अरेंज होती है ये कॉन्सेंट्रिक फैशन में जिसमें ओनियन जब हम काटते हैं ना प्याज को देखते हैं कैसे करके लीफ जिसकी लीफी तो खाते हैं हम ओनियन को काटते हैं तो उसमें पूरा एक सर्किल निकलता है अच्छा दूसरे होते हैं स्केली या एम्ब्रिकेट बल्ब जिसमें लीप जो होती हैं कॉन्सेंट्रिक फैशन में अरेंज नहीं होती हैं और ये कहाँ पे होता है गार्लिक एंड लिलीज में होता है ठीक है अच्छा तीसरी कैटेगरी आती है जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का कार्म ये सब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम के बल्ब कार्म एंड ड्राइजोम कन्फ्यूज होने की बात नहीं है कुछ कुछ इनके स्पेशल पॉइंट हैं जैसे उसमें बताया था मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में कि इसमें जो होता है डिस्क का फॉर्मेशन होता है बल्ब में ठीक है और दो टाइप का होता है इससे ऊपर जो बताया था राइजोम में क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टल होता है तब इसका नाम राइजोम होता है जब वर्टिकल हो जाता है तो इसे हम रूट स्टॉक कहते हैं ठीक है इसी तरीके से हमारा तीसरा भी पॉइंट क्लियर करने होने जा रहा है कार्म कार्म क्या होता है स्मॉल अंडरग्राउंड स्टेम कोई मतलब स्पेशल क्वालिटी नहीं है ऊपर भी ऐसा ही था बट यहाँ पर क्या होता है कि ये फूड स्टोर करता है फूड स्टोर विच इज़ मोर डायमीटर देन लेंथ ये ध्यान रखना है जब ये पॉइंट आ जाए कि जब ऐसी अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर जिसमें डायमीटर उसकी लेंथ से ज़्यादा होता है तो दैट्स नोन एज कार्न ये बस आपका एक मतलब होता है ना आ, पिन पॉइंट है आपके लिए कि कार्न का जो स्पेशल करेक्टर क्या है कि ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम जिसमें डायमीटर उसकी लेंथ से ज़्यादा होता है देन नोन कार्न ओके अच्छा ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करता है इसमें देखिए कंडीशन नहीं है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही ग्रो करता है ठीक है सॉइल सरफेस जैसे कैलोकेसिया एंड क्रोकस में पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिए इनका सबका कुछ हमने डायग्राम दिया है आपको इसे देख लें कोई प्रॉब्लम नहीं है देखिए राय हमने दिखाया है इसमें और कार में इसमें हो गया बल्ब इसमें हो गया देखिए सब में आपको बोला कार में क्या होता है कि नीचे से ग्रोथ होती है ये देखिए नीचे ग्रोथ आउट ग्रोथ लग रही है ठीक है इसमें देखिए ये कैसा है राइजोम हॉरिजेंटल ग्रोथ हो गई यहाँ पे कैसी हो रही वर्टिकल हो रही है इसमें भी कैसी हो रही वर्टिकल ग्रोथ हो रही है अच्छा इसमें कुछ हमने अभी ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि सुखदर्शन इस सुखदर्शन प्लान का क्यों नाम रखा गया क्योंकि जब इसे हम देख लेते हैं सुबह सुबह तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है सुख के दर्शन होते हैं ठीक है तो ये सुखदर्शन एक प्लांट कामन नेम है इसका बॉटनिकल नेम आगे मैंने बताया है और आप इसे ध्यान रखें कि और प्याजी प्याज तो सबको पता है प्याजी किसको पता है तो प्याज और प्याजी दोनों इसी फैमिली को बिलोंग करती हैं अच्छा इसमें भी मैंने इसे नोटिस इसलिए करा कि बाटर हैसिंथ एक प्लांट होता है जो कि बीड होता है और आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा उसका टेरर है हम टेरर ऑफ़ बंगाल बोलते हैं और उसका बॉटनिकल नेम में इकॉर्निया होता है ठीक है अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं बाइल्ड के वहाँ पे कर रहे थे बाटर हाइसिन ठीक है अब यहाँ पे हम कर रहे हैं बाइल्ड हाइंथ है। तो जल्दी में क्या होता है बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं गलत क्वेश्चन लगा देते हैं वो एक और फैमिली का मेंबर है जबकि ये किसका फैमिली लिलेसी का मेंबर ये बाइल्ड हाइसिन है, है वो बाटर हाइसिन है ठीक है ठीके? अब वो प्याज और प्याजी एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं अब सुखदर्शन प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे आपने सुना होगा जो हनुमान जी जड़ी बूटी लाए थे उसे क्या बोलते थे बताइए संजीवनी बूटी ठीक है तो वो एक ब्रा फाइट है इसी तरीके से एक प्लांट जो है सुखदर्शन ठीक है ये एक एंजियोस्पर्म है एंजियोस्पर्म में एक है और में फैमिली लीलेसी को बिलोंग करता है ये सब ध्यान रखने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सुखदर्शन प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है अच्छा हम रूट पर बात कर लेते तो इट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि भाई मोनोकार्ड फैमिली की हम बात कर रहे हैं तो मोनोकार्ड में कैसी रूट होती है एडवेंचरस और फाइबरस होती है हम अपने लेक्चर लेक्चर वन में सब बता चुके हैं आप उसे देखें ठीक है बट यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आपको कि जैसे एस्पेगे जो प्लांट होता है इसमें उसमें जो होता है रूट कैसे हो जाती है ट्यूबरस हो जाती हैं ट्यूबरस का मतलब ये नहीं है कि मो ये टैप रूट हो गए ट्यूबरस का मतलब एडवेंटेज और फाइबरस का मॉडिफिकेशंस होता है ठीक है समथिंग डिफरेंट बट कैटेगरी आपकी एडवेंटेजेस और फाइबरस ही रहेगी यहाँ पे भी अच्छा इसके बाद स्टेम की बात कर लेते हैं हम स्टेम कैसा होता है यहाँ पर देखिए एरियल डायरेक्ट अंडरग्राउंड रिड्यूस्ड एंड पीक आप देख ही रहे हैं कि रिड्यूस स्टेम होता है सब कॉर्म राइजोम और बल्ब बनाता है ठीक है अंदर एरियल होता है मतलब स्टेम सॉइल के ऊपर भी होता है कुछ पार्ट इरेक्ट उसी कहेंगे सीधा होता है और बाकी कहाँ होता है अंडरग्राउंड होता है इरेक्ट अगर तो सॉइल के ऊपर की बात करें अंडरग्राउंड तो अंडरग्राउंड तो 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 कार्म बल्ब और ये सब राइजोम वगैरह कहाँ अंडरग्राउंड स्टेम है तो अंडरग्राउंड स्टेम इस फ्लैलसी फ्लेशी का मतलब लीप से कवर्ड होने वाली स्ट्रक्चर जैसे कार्म कार्म कहाँ पे कोल्ड्रिक वही चीज़ रिपीट हो रही है राइजोम ग्लोरियोजा में बल्ब कहाँ पे होता है ओनियन और गार्लिक में बल्ब होता है अब देखें लहसन और प्याज क्या है बल्ब है ये हम जो खाते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम है दैट्स नोन एज बल्ब्स अच्छा इन केस आप कुछ जगहों ब्रांचेज देखिए भाई अब बात जो पीछे बताई फिर आइए यहाँ पे कि इन सम केसेस में ब्रांचेज आर मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर और कैसी स्ट्रक्चर फ्लैट स्ट्रक्चर तब उसे क्या कहेंगे फाइलोक्लेट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्रांचेज मॉडिफाइड हो जाते हैं ब्रांचेज स्टेम नहीं होते स्टेम से निकलने वाली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती हैं ब्रांचेज अब ब्रांचेज जो मॉडिफाइड हुई और ऐसी स्ट्रक्चर में जिसमें ग्रीन भी हो और लीफ लुक लाइक लीफ लाइक और फ्लैट तो उन्हें क्या बोलते हैं फाइलोक्लेट्स बोलते हैं एरियल स्टेम आर ब्रांच मोडिफिकेशन इंटू फ्लैट सकुलेंट सर्कुलेट का मतलब होता है गोदेदार ठीक है ग्रीन स्ट्रक्चर एराइजिज इन दीजे लाफ लीफ लीफ की लीफ और स्टेम के बीच की जो प्लेस होता है वहाँ से एराइज होती है तो इसे हम फाइलोक्लेट बोलते हैं और इसमें कुछ कुछ दूरी पर नोड और इंटर नोड का भी फॉर्मेशन होता है ठीक है अच्छा स्टेम जो होता है मॉडिफाइड डीफ लाइक ब्रांचेज जनरली बियर्स बाई एरियल स्टेम्स जैसे रस्कस एंड एस्पेक्स में स्टेम जो होता है वो ऊपर होता है सॉइल के और क्लेडोड भी स्ट्रक्चर बनती है जैसे फाइलोक्लेड ऊपर बताया था क्लेडोड और फाइलोक्लेड यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया तो दोनों स्ट्रक्चर आपकी एक्सप्लेन हो गई नेक्स्ट पॉइंट आता है लीफ की बात करते हैं लीफ देखिए कैसी होती हैं सिंपल अल्टरनेट हालो कोलाइन एक्स स्टिपुलेट स्टिपुलेट अब इसमें जे पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि जनरल फैमिली में तो एक्स स्टिपुलेट होती है एक्स स्टिपुलेट का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी इन्हें अटैच करने के लिए स्टेम पे नहीं होती ये डायरेक्टली स्टेम पे अटैच होती हैं ठीक है थीके? कोई

फैमिली लेडेसी का कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें लीप्स स्टिपुलेट होती है तब भी आपका आप आंसर क्या होगा स्माइल क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट और जो एक्सेप्शन होते हैं सबके साथ मिलकर नहीं चलते यही पॉइंट जो है आपकी कंपटीशन बनाते हैं ठीक है अच्छा पैरल बेनेशन आई थिंक इट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हेयर फैमिली ऑफ मोनोकार्टी लीडेंस ठीक है तो मोनोकार्ट में पैरल बोनेशन ही होता है बट यहाँ पे एक नया पॉइंट आता है कि कुछ एक मेंबर है उसमें रेटिकुलेट बेनेशन होता है जैसे स्माइल एंड ट्रेलियम देखिए स्माइलेक्स ऊपर भी डिस्टर्ब कर रहा था पूरी फैमिली के जो बिहेवियर था उसे और यहाँ पे भी मतलब लीफ के स्टिपुलेट नेचर में भी इन्हें अपने को अलग शो करा और अब जब बेनेशन का नंबर आया तब भी कह रहा है सब में तो मोनोकार्ट की वजह से क्या होगा पैरल होगा मगर जो ये है स्माइलेक्स और ये और के साथ आ गए ट्रेलियम ये कह रहे हैं नहीं हमारे अंदर जो है रेटिकुलर बिनेशन होगा ठीक है तो इस तरीके से ये पॉइंट जो है कम्पटेटिव पॉइंट है आप इन्हें ध्यान रखें दो पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट निकले कि एक्स स्टिपुलेट तो सब में स्टिपुलेट किस में स्माक्स में सब में पैल बेनेशन है क्योंकि मोनोकार्टेडेंस फैमिली है बट स्माइलेक्स एंड ट्रेलियम में कैसा है आपका रेटिकुलेट रेटिकुलेटन रेटिकुलेट बेनेशन का मतलब ये डाइकार्ड करेक्टर है ठीक है जबकि हम पढ़ के आ रहे हैं मोनोकार्ट अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए सीड लिप भी होती हैं कुछ प्लांट में सीड लिप का मतलब होता है कि जो बिल्कुल जस्ट एराइज होती है अपने सीड के साथ ही देखिए जे सीड लीप स्ट्रक्चर हो गई ये सीड स्ट्रक्चर हो गई ठीक है लिप हाल होती तो हमने इसका भी डायग्राम आपको दिखाया इस तरह की जो मतलब स्केटर्ड होती हैं बीच बीच में उनके जी छिद्र होते हैं उन्हें हालो लीप कहते हैं स्टिपलेट देखिए मैंने इसे भी डायग्राम से बताया आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखिए इन लीफ में क्या है स्टिप्यूल्स हैं लीफ के लीफ और लीफ के बीच में एक बॉडी है जो इन्हें बताती है स्टिप्यूल्स का एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर बताया स्टिप्यूल्स ये बता दिया सीड लिप ही हो गई हालो लीफ यू हो गई कि स्केटर इस, छिद्रित जो होती है उन्हें हम बोलते हैं ये अच्छा इसमें पूरी चीज़ आपको दिख रही है ये स्टेम हो गया स्टेम के बाद यहाँ पे आपका ये तो अपेक्स हो गया मिड्रिप हो गई बेंस फिर मिड्रिप ये बीच वाली हो गई मार्जिन सॉरी और ये बेस हो गया लीफ का ठीक है फिर पेटियोल हो गया और पेटिवल के बाद ये एक्जेलरी वर्ड स्टीपूल्स आ गए ठीक है और इस पूरे डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं देखिए यहाँ पे आपके बिनेशन भी दिख रहा है ये कि पिन पैरलर बिनेशन होता है जो मोनोकार्ड का है ठीक है और ये कैसा है लीफ के टाइप दिख रहे हैं यहाँ पर रेनीफॉर्म सजिटेल लेंसीुलेट अच्छा इसमें जो अपना क्वेश्चन आता है आपका अभी सिंपल लीफ थी हमारी तो सिंपल लिफ्स ये वाली होती है ठीक है सिंपल लीफ थी ना और कैसी थी पैरलर बिनेशन ई पैरलर बनेशन हो गया ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए ये सब हमने डायग्राम के तो थ्रू आपको दिखा दिया अच्छा ये देखिए हम फिर एक बार आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं कि सेसाइल वाला जो पोर्शन था कि एक्स स्टिपुलेट और स्टिपलेट स्टीपुल मतलब होता है कि देखिए ये लीप जो है एक्स स्टिपुलेट है कि इनके पास स्टिपुल्स नहीं है जबकि यहाँ पे देखिए ये बॉडी लगी हुई है एक्स्ट्रा ये स्टिपुल्स हैं ठीक है इन्हें स्टिपुलेट लीप हो लिप के साथ एक एक्स्ट्रा बॉडी का अटैचमेंट होना लीप को बनाता है कि स्टिपुलेट लीफ हैं लीफ एक, स्टिपुलेट का एक एक्स्ट्रा ग्रीन छोटे छुड़ छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीफ और स्टेम के जो अटैचमेंट पॉइंट होता है वहाँ से अराइज होते हैं ठीक है स्टिप्यूल अगर वो लीफ में प्रेजेंट है तो लीफ को स्टिपुलेट कहते हैं अगर अपसेंट हो तो हमें एक्स स्टिपुलेट बोला जाता है ठीक है सेसाइल देखिए सेसाइल कंडीशन में आपको दिखाऊँ डायरेक्टली देखिए कोई भी अटैचमेंट नहीं है कि इसमें नो पेट्यूल जबकि इसमें लीफ में देखिए क्या है ये उसके थ्रू इसमें खैर नहीं दिख रहा है चीज़ कि अगर इस तरीके से लीफ हो लीफ यहाँ पे हो और ये ऐसे करके अटैच हो तो ये कैसी कहलाएगी पेटियोलेटेड लीफ यहाँ पे कैसी लीफ है सेसाइल लीफ है ओके okay? चलिए अब हम इसके कुछ फ्लोरल करेक्टर में बात आ जाती है फ्लोरल करेक्टर तो हम इस फैमिली के जो रिपीट हुए हैं वैसी बात करेंगे थोड़ा तेज़ी के साथ लेक्चर लंबा ना हो जाए ज्यादा इन में रेसिमोस हमने आपको बताया रेसिमोस क्या होता है पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं रेसीमोस में क्या होता है कि जो पेडेंकल होता है वो कॉन्टिन्यूस ग्रो करता रहता है आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि रेसीमोस में पेडेंकल कंटिन्यूस ग्रो करता है ठीक है अब चिकप्टिन ग्रो करेंगे तो बहुत सारे फ्लावर आएंगे तो और जो ओल्ड वाले होंगे वो नियर बेस होंगे और जो यंग वाले होंगे वो टॉप पे होंगे तो इस तरीके जो फ्लावर कैसे होंगे एक्रोपीटल सक्सेशन एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले फ्लावर निकलेगा टॉप पे और जो ओल्ड वाले फ्लावर होंगे वो बेस पे आते रहेंगे तो ऊपर एकरोपीटल का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जी स्टेम है और ये ब्रांच है तो फ्लावर यहाँ पर निकलेगा पहले और जो ओल्ड वाले फ्लावर होंगे वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो दिस इज दिस अरेंजमेंट इज नॉन एकरोपीटल ठीक है अच्छा अब यहाँ पे इसके अलावा कुछ और भी इफ्फ्लुसेंस हैं जैसे अंबल टाइप का अनबल भी एक रेसिमोस टाइप का इन्फ्लूसेंस है बस एक स्पेशल कैटेगरी है ठीक है रेसिमोस जिसमें पेडंकिल जो हो होता है थोड़ा सॉल्ट होता है बस ये ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है अब इन्होंने कुछ इन अलग अलग एग्जाम्पल दिए क्योंकि उनकी पूछे जाते हैं तो मैंने उसी तरीके से आपको डिवाइड कर दिया कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है पैनिकल रेसिमोज एस्पोडेलस में होता है सोलिटरी किस में होता है ट्यूलिप एंड फिलेटेरिया में होता है साइमोस अम्बल ये एलियम स्माइलेक्स में होता है और सोलट्री एगेली ग्लोरियोजा में होता है अब मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ पूरा उसमें ये सब डिस्क्राइब हो जाएंगे कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है क्लियर हो जाएगा एवरीथिंग है टेक्सट्रोनोमी आपकी पूरी क्लियर होगी अब इसमें फ्लावर की बात करेंगे फ्लावर कैसा होता है देखिए फ्लावर स्मॉल और वाइट कलर का होता है इस फैमिली के मोस्टली मेंबर्स में मोस्टली की बात करी जाती है जब जनरलाइज हम क्योंकि फैमिली पढ़ रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर प्लांट की स्टडी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बात करेंगी फ्लावर कैसे होते हैं तो फ्लावर जनरली स्मॉल एंड वाइट इन कलर ठीक है हो सकता है दूसरे मेंबर में डिफरेंट डिफरेंट कलर के हों मगर मोस्टली मेंबर्स के जो होते हैं वो इसी तरीके की बात करेंगे हम कि व्हाइट और स्मॉल कलर के होते हैं दीज तो आर यूजली सिक्स मेन सेगमेंट में फ्लावर कैसे होते हैं मेन सिक्स सेगमेंट में, में डिवाइड होते हैं और मतलब सोई का मतलब होता है कि सब दिखाई देते हैं एवरी विच अटैच टू बेस ऑफ ओवरी जो पार्ट होते हैं वो ओवरी के बेस से अटैच होते हैं तो फ्लावर्स आर सिंगली एट द टॉप ऑफ लीफलेस स्टम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस प्लांट में लीफ लेस स्टम पाया जाता है तो आंसर होगा ट्यूलिप ठीक है तो आगे भी देखें लीफ की क्वालिटी कैसी होती है इनके सॉरी फ्लावर्स की तो फ्लावर्स जो हैं वो इनके बाईसेक्सुअल होते हैं लिलीज़ में ठीक है रेडली सेमेट्रिकल होते हैं कि मतलब दो पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं और देयर पार्ट्स यूजली इन सम मल्टीपल ऑफ थ्री यहाँ पर ट्राई मेरस की बात करेंगे जो पार्ट होते हैं वो तीन के मल्टीपल्स में मतलब तीन छः नौ इस तरीके से बढ़ेंगे ठीक है अच्छा कुछ एक मेंबर है ये देखिए पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि इस फैमिली का एक सिंगल प्लांट जिसमें फोर के मल्टीपल में हो हैं जिसमें हम बोलते हैं मैंथीमम ठीक है विद नो डिस्टिंगट इन दिल अच्छा इसके बाद क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी फ्लावर्स में जो कैलेक्स और करोला होते हैं तो या फिर हम कह सकते हैं पेटल्स और सेपल्स होते हैं उनमें कुछ डिफरेंस मार्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होता कि ऊपर से हम देख के ये नहीं आइडेंटिफाई कर देते विज वन इज कैलेक्स विच वन इज करोला देर आर नो क्लियर मार्फोलॉजिकल डिफ्रेंसिस ठीक है मार्फोलॉजिकल कोई डिफरेंस नहीं होता और ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं पेरियंत बोलते हैं हमने पेरियंत को डिफाइन किया है यहाँ पे पेरियंत की पोजीशन क्या है देखिए पेरियंत जो होते हैं उसमें सिक्स होते हैं ठीक है और कैसे करके होते हैं वो तीन तीन के पार्ट में होते हैं कि थ्री प्लस थ्री ठीक है अच्छा कभी फ्यूज भी हो सकते हैं और कभी अलग अलग भी दोनों कंडीशन पालें गैमो भी और पॉली भी ठीक है इन डिस्टिंक्शन मतलब जो डिफरेंस ना कर पाना सिंपल एंड पेटल्स तो सिक्स पेटल्स होते हैं ठीक है और वो जनरली कैसे होते हैं जुड़े हुए होते हैं आपस में जैसे हम कंडीशन बोलेंगे गैमो सेपल्स वाली कंडीशन आएगी और उनका जो वो होगा वो इम्ब्रीकेट होगा इंब्रीकेट आप समझ सकते हैं कि किसी का भी हमने मर्ज नहीं किया इस तरीके वाला अरेंजमेंट इंब्रीकेट इन बर्ड बर्ड स्टेज में कैसा उनका अरेंजमेंट होता है इम्ब्रीकेट होता है यूजली बारबेट एस्टिशन सिक्स फिर वो उसी के अकॉर्डिंग जब आप कैलेक्स और कोरोला क्लियर नहीं है तो जो यूनिट बनेगी पेरियंत कहलाएगी मतलब स्ट्रक्चर और उसकी यूनिट क्या कहलाएगी टेपल्स ठीक है ना तो सेपल्स रह जाएंगे ना करोला रह जाएंगे आप बनेंगे टेपल्स और वो इन टू अल्टरनेटली ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे जैसे हम बोलेंगे थ्री प्लस थ्री क्योंकि सिक्स थे तो सिक्स का मतलब तीन प्लस तीन ठीक है पाली भी और गैमो भी दोनों कंडीशन लिखा है आपने देखिए फ्री और फ्यूज तो फ्री के लिए आपका पाली और फ्यूज के लिए गेमो अभी आ, हम फ्लो डायग्राम ऐसे क्लियर कर देंगे और फार्मूले में भी क्लियर कर देंगे और पेट्रोलाइट पेट्रोलाइट का मतलब कैसे होता है ग्रीन इन कलर ठीक है अच्छा वाइट विद ग्रीन मिटरी पॉलीफेल्स ये स्पेशल स्पेशल कंटेज ध्यान रखना कम्पटेशन पॉलीफेलस किस में होते हैं लिलियम में और ट्यूलिपा में होते हैं गैमोसपल्स किसमें होते हैं एलोए में एस्परेगस में होते हैं अच्छा बैरियस शेप के होते हैं पेरिंथ में भी मेम्ब्रेनस पेरिंथ किस तरीके का होता है मेम्ब्रेनस होता है ठीक है अभी यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा आप उसे देखें कि वेन कैलेक्स एंड करोला मार्फोलॉजिकली सिमिलर मार्बल जी का मतलब है कि ये नहीं पता चले कौन कैरोला है कौन कैलेक्स कैलेक्स है तो उस कंडीशन में क्या बनता है स्ट्रक्चर पेरियंथ बनती है ठीक है हेयर मतलब हेयर का मतलब पेरियंथ में भी कहना टेबल टू से हम इस लाइक नहीं होते कि हम क्या कह पाए कि कैलेक्स कौन सा और कैरोला कौन सा जो मालरडी डिस्क्राइब कर चुके हैं और इसका फंक्शन क्या होता है इट इन्वेलप्स एक कवर कर लेता है सेक्सुअल आर्गन सेक्सुअल आर्गन प्लांट क्या है कि एंड्रोसियम और गाइनीसियम को ये कवर कर करता है मतलब उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और खुद ये कहता है कैसा है नॉन प्रोडक्टिव आर्गन है ठीक है और इसकी यूनिट क्या कहलाती है टेपल्स कहलाती हैं और जब ये फ्री होता है तो कंडीशन कौन सी बनती है पॉलीफाइलस पेरियंथ कहलाता है जैसे ग्लोरियोजा भी होता है अच्छा जब ये फ्री होते हैं तो वन दे आर फ्री तो पॉली और जब यहाँ पे फ्यूज़ करेंगे ठीक है ये थोड़ा सा वो है फ्यूज तो इन्हें क्या बोलते हैं कि गैमो फाइल्स पेरियन जैसे यू फार्बिया में पाया जाता है ठीक है इसे ध्यान रखें ये फ्री नहीं है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक फ्यूज्ड है अच्छा अब ये ग्रीन कलर के होते हैं तो इसके इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं पेट्रोलाइट बोलते हैं अच्छा कुछ कंडीशन में जब ये बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं तो इनका काम होता है पॉलीनेशन मतलब दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स ओके तो ऐसे कहाँ पे होते हैं ग्लोरियोजा <coughs> में होते हैं अच्छा इनका दूसरा काम क्या होता है स्टोरेज ऑफ़ नेक्टर का भी काम करते हैं पी एम में कई बार क्वेश्चन पूछा कि इनका एक फंक्शन सबको ध्यान होता है कि दे हेल्प इन द पॉलीनेशन दे आर हाईली ब्राइटली कलर्ड बट इनके कुछ अदर फंक्शन जो है एसेसरी फंक्शन वो देखिए ब्राइटली कलर्ड तो पहला हो गया इसके बाद इनका आता है कि स्टोरेज ऑफ नेक्टर और प्रोटेक्शन एंड फोटोसिंथेसिस भी करते तीन अदर फंक्शन इनके भी आपको ध्यान रखने हैं ठीक है थीके? अच्छा इसके बाद हम एंड्रोसियम मतलब फीम प्लांट के फ्लावर के जो मेल रिपोडक्टिव पार्ट हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं आप इसे देखें एंड्रोसियम जो होता है उसमें कितने स्टेमेंट्स होते हैं सिक्स फिर वही कंडीशन की थ्री और थ्री के कंडीशन में होते हैं आप इसमें देखिए थ्री और थ्री वाली कंडीशन अच्छी है कि रसकस में होता है कॉमन प्लांट है मगर आठ होते हैं पैरिस में इसे ध्यान रखना है कि फैमिली यही है मगर थोड़ा डेविशन है नॉर्मल नंबर से इपी कंडीशन होती है एंटी होते हैं एंटी पेटोलाइस होते हैं पॉली एंडरस होते हैं ठीक है पॉली एंड्रस का मतलब मेल आर्गन पार्ट है तो पॉली का मतलब एक मेच्योरिटी की बात करते हैं कौन पहले मतलब डेवलप हो जाता है फीमेल से जो फीमेल पार्ट है ना गाइनेसियम उसके कंपेयर में ये वाले जो लोग हैं पहले डेवलप हो जाते हैं मतलब एंड्रोसियम वाला पार्ट तो इसे पॉली एंड्रस कंडीशन बोलेंगे अच्छा स्टेमिनस आर अरेंज इन अपोजिट द पेरियंस पेरियंथ और टेपल जो होते हैं या पेरियथ कह लें टेपल्स कह लें टेपल्स जो पेरेंस के यूनिट है उनके अपोजिट ये जो है लोकेटेड होते हैं एंड्रोसियम एंड्रोसियम के यूनिट क्या होती है स्टेमिनस ठीक है जैसे पेरियंस की यूनिट क्या है टेपल्स इस तरीके से एंड्रेशन के यूनिट क्या है स्टेमिन तो स्टेमिन जो होते हैं वो टेपल्स के अपोजिट लोकेटेड होते हैं ठीक है और कैसे होते हैं इंथर डाइथिकस आपको बताया दो ही होते हैं मोनोथिकस और डाइथिकस थिकस जो डाई इंट्रोस और एक्स्ट्रो दोनों कंडीशन है कि जब ये ब्लास्ट होते हैं बस्ट होते हैं तो ये अंदर की तरफ भी फट सकते हैं और बाहर की तरफ भी फट सकते हैं अच्छा तो बर्सर टाइल ठीक है ये भी इनकी सेप से क्रिएट होती है बेसिफिक्ड मतलब ये सब एक सेप से होता है इस तरीके की सेप बेसिफिक्ड वाली कंडीशन ऐसे करके बेसिफिक्ड इन रस्कस में आउटर वर्ल ऑफ स्टेमिन इज इस रिड्यूज टू स्टेमिनोड ये आपको ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि रस्कस में जो आउटर स्टेमिन का जो ग्रुप होता है वो स्टेमिनोड में कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस का मतलब हुआ कि अपनी जो क्वालिटी है क्वालिटी क्या है भाई ये मेल रिपोडक्टिव आर्गन से और रिड्यूस होगा इसका मतलब इनकी मेल रिपोडक्टिव क्वालिटी डिक्रीज हो गई इसका मतलब स्टेमिनोइड अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि स्टेमिन कन्वर्ट इनकी स्टेमिनोड इसका मतलब होता है कि जब स्टेमिन जो है उसमें जो रिपोडक्शन की कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है दे आर नाउ अनफर्टाइल मतलब फर्टिलिटी से अब ये अनफर्टाइल हो गए ओके देखिए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स में आपको पेटल्स और सेपल दोनों दिखाए गए कोई क्लियर डिफरेंस नहीं दिख रहा है देखिए ये ऊपर पेटल्स से, है नीचे सेपल्स से, है ठीक है इस कंडीशन में इसमें देखिए ये पेट सेपल देखिए येलो कलर कितना दिख रहा है और पेटल दिख रहा है कितना कोई डिफरेंस नहीं है तो इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं पेरियंथ और यूनिट को टेपल्स फर्दर फिर हम इसे बता रहे हैं इनमें भी यही प्रॉब्लम्स है सब में ये हमने आपको पो प्लांट दिखाए जहाँ पे टेप, आस, कैलेक्स और करोला में डिफरेंस नहीं होता है अच्छा गाइनीसियम की बात करते हैं गायनिशियम कैसा होता है सिनकार्पस मतलब सिनकार्पस जो ओभरी होती है ओबियल्स उसके अंदर वो सब ज्वाइंट होते हैं ट्राई कार्पुलर का मतलब हुआ कार्पेल का नंबर इस तरीके से तीन होता है तीन कार्पेल होते हैं ट्राई लोकुलर ए वाली कंडीशन की जो ओबरी होती है वो तीन लोकुलर में डिवाइड होती है टू टू मैनी ओव्यूल्स पर लोकल इसके अंदर एक ऐसे दो दो लोक्यूल्स होते हैं इस तरीके अभी डायग्राम में दिखा दूंगा बनाया है मैंने ओवरी सुपीरियर पता है कि ओवरी के बाकी जो पार्ट है वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं ओवरी टॉप पे रहती है तो कंडीशन जो है सुपीरियर होती है एग्जाइट प्लेसेंटर का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटर का जो जहाँ पे ओव्यूल लगते हैं वो बिल्कुल सेंटर से होते हैं इस तरीके से सेंटर वाले पार्ट में होते हैं ये इन इनपे ओव्यूल्स लगे होते हैं छोटे छुड़ छोटे से दो दो एक एक लोग में तो ये एक्साइल परसेंटेज होती है स्टाइल जो होती है वो सिंगल होती है सिंगल मतलब एक सिंगल स्टाइल एंड स्टिग्मा ट्राई ये इंपॉर्टेंट और कैपिटेट कैपिटेट का मतलब कि बहुत आसानी से जो पॉलिंग ग्रेन्स होते हैं अगर हवा में उड़ रहे हैं तो उन्हें पकड़ लेता है कैपिटेट का मतलब वो अट्रैक्ट होता है और उसके ऊपर चिपचिपे पदार्थ लगे होते हैं कैपिटेट का मतलब ये होता है लोब्ड का मतलब कि ट्राइलोब्ड लोब्ड होते हैं इस तरीके से ट्राइ स्टिग्मा ये पॉइंट हो गया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें देखिए अब आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखा दे रहा हूँ सिनकारपस देखिए क्या होता है एग्जाइल प्रेसेंटेशन देखिए सब सेंटर पर लगे हर एक ओव्यूल कहाँ से अटैच है सेंटर से ये वाली बात ध्यान रख लीजिए आप तो आपको क्लियर हो जाएगी कि एक्जाइल प्रेसेंटेशन होता है सिनकारपस क्या होता है कि जो है आपस में जुड़े हुए हैं ठीक है थीके? अच्छा अभी और भी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा देखिए बहुत ही अच्छे मैंने डायग्राम आप यूल निकाले सिनकारप देखिए कंडीशन थी हमारे पास देखिए सिनकारपस में आपको देखा ट्राइलोकुलर ये वाली कंडीशन है एक्जाइल प्लेसेंटेशन में आप देखिए सेंटर से ओव्यूल जुड़े हुए हैं ठीक है उस सिंकारपस का मतलब हो कि जो अब जो है वो सब आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे मिक्सिंग है इसमें देखिए अलग अलग हैं इसमें देखिए सब सेंटर हैं फ्री सेंटर प्रेजेंटेशन है मगर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम ले लेजी की फैमिली की बात कर रहे हैं हमारा कंसर्न केवल इस डायग्राम से ना हो ओके अच्छा इसके बाद हम देखते हैं ये भी एक डायग्राम और ऐसी चीज़ को क्लियर कर रहे हैं देखिए इन्होंने ट्राई करके बताया ये डायग्राम मुझसे भी क्लियर है क्लियर तो हो चुका बट अब और देख लें एक बार इसमें ये देखिए तीन और तीन के अंदर ये लोकल दो दो ग्रुप में और सब ओव्यूल जो है कहाँ सेंटर वाले पॉइंट से अटैच हैं तो ये एक्जैल फ्रूट जब ओव्यूल सेंटर वाले पॉइंट से अटैच होते हैं तो एक्जैल प्रेजेंटेशन होता है ओके अच्छा फ्रूट के टाइप की बात करें तो फ्रूट टाइप भी हमने बहुत अच्छे डायग्राम आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए दो टाइप के फ्रूट होते हैं कैप्सुलर होते हैं और और होता है बेरीज बेरीज जैसे अब हरी मिर्च आपने अगर प्लांट में लगी देखी होगी तो एक बंच में लगती हैं ठीक है तो बेरीज होती है यहाँ पे हम बेरीज़ का एक डायग्राम इससे दिखा रहे हैं देखिए बेरीज पूरा हर एक फ्रूट एक पॉइंट से ओरिजिन हो रहा है बाकी इधर इधर एक ही उसे लगे तो ये जो कंडीशन होती बेरीज है बेरीज़ कहलाती है ठीक है ये वेरी है, हम अगर लोकल में देखें तो हरी मिर्च के प्लांट को देख लें मिर्च का जो प्लांट होता है जब मिर्च हरी होती है तो देखिए कैसे करके लगी होती है सब एक ग्रुप में ठीक है और कैप्सूल जो होता है वो सिंगल होता है देखिए यहाँ पर कैप्सूल हमने दिखाया ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस फ्रूट का अपना एग्जिस्टेंस है इस फ्रूट का अपना एक मतलब स्टाक है क्योंकि यहाँ पर सब स्टाक जाके एक पॉइंट पर मर्ज हो गए ठीक है तो एक ग्रुप की फार्म में बंच की फार्म में जो होता है वो फ्रूट बेरी कहलाता है अच्छा सीड कैसे होते हैं तो इसमें पॉइंट ऑफ नॉट डिस्कशन विकास क्योंकि हम मोनोकार्ड पढ़ रहे हैं मोनोकार्ड में सीड नॉर्मली कैसे होते हैं इंडोस्पर्मिक होते हैं मैंने लास्ट में आपको पहले बताया था कि इंडोस्पर्मिक का मतलब होता है कि जो मोनोकार्डो फैमिली होती है इनके, इनके अंदर जो फूड मटेरियल होता है वो रिजर्व रहता है बहुत लॉन्ग टाइम तक तो इंडोस्पर्मिक सीड हो गए उसके ऊपर कुछ हारनी और कार्टिलेजनस स्किन होती है तो इसलिए बोलते हैं हारनी एंड कार्टिलेजनस अच्छा पॉलीनीशन की बात आई पॉलीशन में इंटेमोफिलस होता है इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है कि एंटेमोफिल्डस होता है तो कौन से इंसेक्ट के थ्रू होता है तो इसमें बटरफ्लाइज एंड बीज दोनों ये इंसेक्ट होते हैं अच्छा कुछ जगहों पर सेल्फ पॉलिनीसन भी रिपोर्ट हुआ है ठीक है रेयरली सेल्फ पॉलिनीशन हुआ चलो इसकी कोई बात ही नहीं है इंटेमोफिल्डस जो होता है वो इसका मतलब ये कंडीशन है कर आपकी क्रॉस पॉलीनेशन की क्रॉस पॉलिनेशन तो किसी बाहरी के थ्रू होगा बाहरी के थ्रू बता दिया यहाँ पर बटरफ्लाई और वीज वीज क्या दोनों इंसेक्ट हैं तो इंसेक्ट के होने वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटमोफिल्डर्स पॉलीनेशन अच्छा इसके बाद एक पॉइंट इसमें और इन्होंने नोट कराया कि इन वाइल्ड जंगल में जो प्लांट होते हैं मैनी ऑफ दी फर्टेलिया प्लांट बताया था पूरा जीनस होता है उसमें जो होता है पॉलीनेशन किसके थ्रू होता है क्यून बैस्प जो म, बैस्प जो होती है ना आप हिंदी में अगर हम कहें कीट पतंगा मौत ये सब इन्हीं के नाम होते हैं तो क्यून बेस्प के थ्रू होता है तो तीन कैटेगरी आपके पास हो गई बटरफ्लाइज वीज एंड बेस्प ये पूरे इंसेक्ट पॉजिशन का ग्रुप हो गया ठीक है <coughs> अच्छा अब हम इसमें देख लें बहुत ही सिंपल साइज का डायग्राम है कतई भी आप में कन्फ्यूज ना हो और मैं आपको वन लाइन में डिस्क्राइब कर दूंगा देखिए इसमें क्या है फ्लावर जो थे वो आपके एक्टिनोमार्फिक थे ये एक्टोनोमार्फिक का सिंबल हो गया और ये हो गया आपका बाइसेक्सुअल का ठीक है इन दोनों चीज़ों को हम फ्लावर डायग्राम में शो नहीं कर सकते ठीक है हम करेंगे पेरियंत को पेरियंत छः थे और तीन तीन के ग्रुप में थे ठीक है तो आपके तीन ग्रुप का मतलब हुआ तीन ग्रुप पहले हम ये बनाए पहले हम ये स्केच करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे तीन हो गए बाहर के फिर तीन है तो हम इन दोनों के दो दो के बीच में एक एक करेंगे देखिए फिर हमने एक ये करा और एक ये करा और एक ये करा फिर हमने क्या करा कि ये आपस में फ्यूज़ भी होते हैं तो ये कंडीशन जो थ्री प्लस थ्री की है ये अलग अलग भी हो सकती है और ये वाली कंडीशन में होती है हम एक डायग्राम में इतना नहीं दिखा सकते तो हमने इसे बताया कि इसलिए इन्हें हमने आपस में क्या कर दिया ऐड कर दिया बहुत अच्छा डायग्राम है ये उसके बाद कह रहा है कि जो एंड्रोसियम होता है उसमें भी छः होते हैं तो हमने क्या करा बाहर वालों के साथ पहले एक एक बनाया देखिए इसके करस्पॉन्डिंग एक रखा इसके करस्पॉन्डिंग एक रखा इसके करस्पॉन्डिंग एक रखा फिर जो अंदर वाले थे इनके करस्पॉन्डिंग एक इसके करस्पॉन्डिंग एक इसके करस्पॉन्डिंग एक फिर इन्हें क्या करा कि आपस में फ्यूज होते हैं ये भी जुड़े होते हैं किससे ये वाला जो डायग्राम दिखा रहा है कि एंड्रोसियम जो होते हैं वो पेरियंस से जुड़े होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमने इन्हें जोड़ दिया ऐसे देखिए हमने ये जोड़ दिया कोई प्रॉब्लम इस तरीके डायग्राम हो गया उसके बाद आता है कि ओवरीज होती है वो कैसी होती है ट्राईकार पिलरी देखिए तीन इसमें दिख रहे हैं आपको पूरे तीन कॉलम दिख रहे हैं आपको आसानी से इस तरीके से तीन कॉलम दिख रहे हैं और एक कॉलम में दो दो व्यवल दिख रहे हैं वो भी आपको दिख रहे हैं ठीक है और कैसी है सुपीरियर तो नीचे हमने इसके लाइन कर दिया ये डायग्राम हो गया आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें मैं बताऊंगा उसे अच्छा कुछ प्लान करने आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए और भी लिख दिया कि आप और फैमिलियर हो जाए देखिए ट्यूलिप का एक डायग्राम यहाँ पे लगा दिया रस के फ्रूट्स का डायग्राम लगा दिया ठीक है इस्माइलेक्स के देखिए कितना ब्यूटीफल डाइग्राम्स है और ठीक है और ये तो आपका एक सबसे टिपिकल डायग्राम हो गया फैमिली का कि हैबिटेट में कैसे होता है कि बल्बस ग्रीन स्टेम ही नीचे हो गया सिलेंड्री कर फ्लैसी लीफ हो गई ये फ्लावर का जो इन्फ्लुसेंस का जो पार्ट होता है ये इन्फ्लुसेंस है तो इसका इन्फ्लुएंस का जो तना होता है उसे हम क्या बोलते हैं पटन कर बोलते हैं उसके नीचे वाले जो पार्ट होते हैं वो फ्लावर्स की ब्रैक्थ बोलते हैं और पूरी वाडी ये ऊपर इन्फ्लुसेंस बोला जाता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए फ्रेंड्स ओके हैं थैंक यू वेरी मच प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल ओके थैंक यू वेरी मच